दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। गत दिनों पठानकोट शहर में दो नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पठानकोट पुलिस ने लड़कियों को भगाने वाले लड़कों को लुधियाना से काबू कर लिया है। मामले संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी मनोज ठाकुर ने बताया कि दोनों आरोपी लड़के प्रिंस व अभिषेक अपने स्कूल में पढ़ने वाली दोनों नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें अमृतसर ले गए थे, जिसके बाद दोनों लड़के प्रिंस के पिता के पास लुधियाना चले गए। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस ने लुधियाना पहुंच दोनों लड़कों को लड़कियों सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंप्लेंट मिली थी सानू 19 तरीक नू, लेडीज आई सी, उन्हें दस्या सी कि मेरी बेटी ते एक लड़की होर जिहड़ी आ घरों भज गई ने, उन्हां नू थोड़ा शक सीगा मुंडा अभिषेक ते प्रिंस ते, वो लड़कियां नू लै के ते लुधियाने उहदा फादर रहिंदा सी ललित कुमार, उत्थों मेरे SHO ते इहनां दी टीम ने उन्होंने कवर किया, तो उन्होंने उत्ते जिहड़ा ही परचा दर्ज किया होया सी पहले ही 363-366 का IPC का, हुण इन्हां नूं असीं इत्थे थाने ले आए ने। इस तों बाद इन्हां दा मैडिकल ते उस तों बाद मानयोग अदालत विच पेश करांगे। जो जो बंदे इहदे विच इनवॉल्व होणगे उन्हां दे उपर भी FIR लॉज करांगे।